सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए कुर्ती के नेक का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूं, जो कि हम यहां पे पैंट प्लाजो का जो कपड़ा होता है वो मैचिंग करते हुए तैयार करेंगे और एंकर धागे का बहुत सुंदर सा यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमने जैसे प्रिंट होता है तो प्रिंट के साथ में जो सलवार वाला या पैंट प्लाजो वाला फैब्रिक होता है वो हमें डिजाइनिंग में यूज करना है। ये हमने लिया हुआ है प्लेन कपड़ा और कुर्ती की हमने कटिंग की हुई है। यहाँ पे नीचे की साइड बैक साइड होगी हमारी, ऊपर फ्रंट होगा ये, और ये हमने एंकर के धागे लिए हुए हैं और ये हमने बुकरम का पीस लिया हुआ है। जो बुकरम है हमारी, इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 10 इंच की होगी, जिसमें से हम सिंपल राउंड शेप वाला गला कटिंग करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गले की कटिंग करनी है। गला जितना भी आपने ब्रॉड और डीप रखना हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगाना होता है। जैसे हमें रखना है 7 इंच ब्रॉड, तो हम 3.5 इंच पे इस प्रकार से मार्क करेंगे, और डीप रखना है हमें यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंच इस प्रकार से। तो यहाँ पे 6.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ऐसे राउंड शेप वाला। इस तरीके से राउंड शेप का हमने निशान लगा लिया है। इसी निशान के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। अब हमें बाहर की साइड तकरीबन यहाँ पे लेंगे हम 1.25 इंच, इस प्रकार से 1.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार हमने निशान लगा लिया है, एक बार देख लेते हैं राउंड शेप हमारी बिल्कुल ओके है। तो इसी हिसाब से हम बाहर वाला जो निशान लगाया है इनके ऊपर भी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले निशानों को एक दूसरे से इस प्रकार से गोलाई देते हुए जोड़ लेते हैं। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। अब हम ओपन करके देखेंगे तो गोलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग की है गोलाई के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे ये जो बुकरम वाला पीस हमने कटिंग किया है इसके हम दो भाग कर लेंगे। सिंगल भाग आपने नहीं रखना है, ऐसे अलग अलग शेप वाले ये वाले दो भाग हमने कर लिए हैं। इनको दोनों को हम जो हमारे पास पैंट प्लाजो वाला कपड़ा है इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, और नीचे की साइड हम जिस तरीके से डिजाइन बनाएंगे वो आपको मैं मशीन के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से हम नीचे का डिजाइन तैयार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों पीस यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। इस तरीके से आएंगे सीधी साइड में हमारे यहाँ पे ऐसे आएंगे और सेंटर में कट डालेंगे, और कट के ऊपर पाइपिंग लगाते हुए हम बहुत सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन तैयार करेंगे। तो आइए मशीन के ऊपर चलते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरीके से हम डिजाइन तैयार करेंगे। दोस्तों नीचे की डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है गले की जो लंबाई है हमारी कहाँ तक आती है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे रखेंगे गले को, और यहाँ तक हमारा गला है तो तकरीबन हमें 1 से 1.5 इंच ऊपर तक यहाँ पे रखना है, निशान लगाना है। अब हमें यहाँ पे देखना है जो हमारा कमर वाला पॉइंट होता है यहाँ तक भी हम डिजाइन बना सकते हैं, थोड़ा नीचे तक भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो तकरीबन ऊपर से हमें यहाँ पे 11 से 12 इंच की एक पट्टी चाहिए होगी लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये मैंने 11 इंच पे कमर तक का निशान लगाया है, तो 11 से 12 इंच की हम यहाँ पे पट्टी लेते हैं पैंट वाले कपड़े के भी, और जो हमारे पास ये पीले कलर का कपड़ा है कमीज वाला इसके साथ की भी। यहाँ पे दोस्तों ये पट्टी ले ली है हमने दोनों, तकरीबन ये भी हमारी 12 इंच की होगी और ये भी 12 इंच की लेनी है। तो
तो सबसे पहले हम जो कमीज वाला फैब्रिक होता है इसमें हम पाइपिंग निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से धागे वाली डोरी वाली पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने पाइपिंग निकाल ली है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग है और दो पट्टी तैयार की है हमने एक जैसी, क्योंकि ये पट्टी हमारी ऐसे आएंगी यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें इन्हें यहाँ पे तैयार करनी है इसके साथ में, जो ये पट्टी है हमारे पास इसके साथ में तैयार करनी है। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे नीचे की साइड प्लेन कपड़ा रखेंगे और तकरीबन एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, तो एक साइड में हमारी पाइपिंग निकल के तैयार आ जाएगी। इस तरीके से अब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो यहां पे हमारी पाइपिंग ऐसे तैयार आ जाएगी। ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तकरीबन एक इंच का गैप रखते हुए। एक पट्टी हमने एक साइड की तैयार कर ली है, दूसरी पट्टी भी हम सेम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे पाइपिंग आएगी इस तरीके से और इस साइड में भी ये पाइपिंग आएगी इस तरीके से, जैसे आपने ये देखी है सेम उसी तरीके से दूसरी पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने दोनों पट्टियों में पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे जो पट्टी की चौड़ाई रखनी है तकरीबन पौना इंच की रखनी है, इस प्रकार से पौना इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम कट कर देते हैं बिल्कुल सीधा, यहाँ पे बिल्कुल भी आपका कोई फर्क नहीं आना चाहिए इस तरीके से। ये हमारी पौना इंच की पट्टी तैयार हो चुकी है। दूसरी पट्टी पे भी हम पौना इंच का निशान जैसे लगाया है यहाँ पे भी हम सेम बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये भी हमारी पौना इंच की पट्टी यहाँ पे तैयार हो गई है। दोनों पट्टी इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हमें इन्हें फ्रंट में अटैच करनी है। तो यहाँ पे जहां से हमें अटैच करनी होती है यहां तक हमारा गला आएगा, यहां से हम ऊपर से अटैच करेंगे, तो इस प्रकार से रखेंगे यहां पे ऐसे, और ये हमारा कमर वाला पॉइंट है, कमर तक हमें अटैच करनी है, तो यहां पे इस तरीके से रखते हुए हम अटैच करेंगे ऐसे। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उसका हाफ मार्जिन लेना है आपने, यहाँ पे हाफ से हल्का सा एक पॉइंट कम। पॉइंट पे धागे की कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब हम यहां पे दूसरी पट्टी रखेंगे इसके साथ वाली, इसको भी सेम इसी तरीके से रखते हैं ऐसे। गैप का फिर से मैं आपको बता दूं, जितना हमने यहां पे गैप रखा है ये आधा इंच है, तो हमें आधा इंच का बीच में यहां पे इस तरीके से पट्टी जब आएगी हमारी यहां पे ऐसे आएगी, तो इधर से भी ये ऐसे आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हो। आप एक बार इस तरीके से यहाँ पे करके देख ले, इसको ऐसे आनी चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा हमारा कि हमें यहाँ पे कितना गैप रखना है।
तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए सिलाई लगानी है। पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दूं मैं आपको, जितनी हमने यहाँ पे ये पट्टी की चौड़ाई रखी है, यहाँ पे इस प्रकार से आप देखोगे आधा इंच है, ये आधा इंच से बिल्कुल बाल भर कमी है, ज्यादा नहीं है। तो टोटल जो हमारा गैप होना चाहिए उसका डबल होना चाहिए, यहाँ पे बीच वाला जो सिलाइयों वाला गैप हो उसका डबल होना चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ताकि जब हम दोनों पट्टी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, कहीं पे भी फर्क नहीं आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड भी चेक करना होता है, दोनों पॉइंट हमारे बिल्कुल बराबर हैं, कहीं पे फर्क तो नहीं है, तो ये बिल्कुल बराबर है नीचे से भी, और जहां पे पॉइंट पे हमने सिलाई लगाई है इससे तकरीबन पौना इंच ऊपर हम यहाँ निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से सेंटर पॉइंट में कट करेंगे। इस निशान तक हमें यहाँ पे कट लगाना है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहां से इस तरीके से कट लगाते हैं, इस प्रकार से सिलाई के नजदीक तक, ये ध्यान रहे सिलाई के बिल्कुल नजदीक तक। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई के नजदीक तक, सिलाई वाले पॉइंट तक ऐसे, तो यहां पे हमारा इस प्रकार का एक कट आ जाएगा। अब हमें इन पट्टियों को इस तरीके से अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेना है, और यहां पे आप प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर ले। यहां पे दोस्तों हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है, तो सीधी साइड हमारी यहां पे इस प्रकार नजर आएगी और जो उल्टी साइड होगी यहां पे इस तरीके से नजर आएगी, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, और जो हमने कट लगाया था वो यहां पे इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये, यहां पे इस तरीके की पट्टी लगाते हुए, पाइपिंग लगाते हुए बहुत सुंदर सा रेडीमेड स्टाइल का डिजाइन बनाने वाला। तो हमने यहाँ पे जैसे दोनों साइड यहाँ पे पट्टी लगा दी है और पाइपिंग कंप्लीट कर ली है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की साइड जो हमने दो पीस यहाँ पे अलग अलग कटिंग किए हुए हैं गले के, ये यहाँ पे गला तैयार करना है। गले को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एंकर का काम करना है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एंकर के धागे का काम करेंगे। एंकर का धागा दोस्तों इस प्रकार से हमने फिरकी के अंदर डाल लिया है, और डबल फिरकी ली है, एक एक्स्ट्रा ली है ताकि टाइम की बचत हो, एक हमने नीचे की साइड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बाहर वाली जो साइड होती है इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पे जो हम काम करेंगे तकरीबन एक पैर चौड़ाई वाला यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। कपड़ा फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। सीधी साइड हमारी इस प्रकार की एंकर की सिलाई आ जाती है। अब हमें यहाँ पे सेम एक एक पैर का ही मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है एक साइड से।
डबल सिलाई हमारी आ गई है। आगे की साइड तकरीबन हमारी दो सिलाई और लगती हैं, तो दो सिलाई भी हम सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं इस साइड में। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे गले के ऊपर एंकर का काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम बीच से ऐसे कट कर लेते हैं। दोनों पीस हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिए हैं। अब हमें अटैच करना है यहाँ पे फ्रंट के ऊपर, तो जो रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर की साइड रखते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से जो मार्जिन होता है बाहर वाला, जो कपड़ा है बुकरम के बाहर वाला, इसको हम बाहर की साइड ऐसे निकालते हैं और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। और गोलाई में इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधी साइड ऐसे पलट लेते हैं। सीधी साइड पलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पे गले की सेव आती है ऐसे, और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम अब जो सिलाई लगाएंगे, जो हमारा एंकर का धागा है बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ पे लगानी होती है। ये मार्जिन अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हम दूसरी साइड लगाएंगे, ये भी हम एंकर के धागे के साथ साथ में इस प्रकार से लगाएंगे। एक साइड से दोस्तों हमने इस प्रकार से यहाँ पे गला एक साइड का कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड का भी तरीका सेम होता है, यहाँ पे ये गला भी हम कंप्लीट कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। फिर हम नीचे की साइड बंद करते हुए यहाँ पे पट्टी लगाएंगे और ऊपर से बटन का काम करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों साइड में यहाँ पे गला तैयार कर लिया है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे गला आता है। अब हमें नीचे की साइड ये जो गैप होता है ये बंद करना है, तो बंद हम करेंगे इस पॉइंट तक, जितना भी हमें डीप रखना होता है गला उतना यहाँ पे डीप रखते हुए, तो इस पॉइंट तक हम यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे पैंट प्लाजो वाली पट्टी लेंगे, इसको ऐसे डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद एक साइड से यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे पट्टी अटैच कर रहे हैं। अब इस सिलाई को हम वापसी इसी पॉइंट पे लेके आते हैं जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत की थी।
प्रकार हमने यहाँ पे पट्टी भी अटैच कर ली है। नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको हम काट देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार एक साइड बिल्कुल ठीक है तो दूसरी साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे इस तरीके से कट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड बटन लगाने हैं, कोई भी बटन या बक्कल या मोती कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार की हमारी यहाँ पे फिनिशिंग रहेगी। इस प्रकार दोस्तों हमने ऊपर की साइड यहाँ पे दो दो बटन अलग अलग करते हुए लगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ पे ये नेक डिजाइन तैयार हुआ है, सिंपल और शोबल रेडीमेड कुर्ती स्टाइल में यहाँ पे इस नेक को आप बोल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।